नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। रांची की एक समाज सेवी युवाओं की संस्था इंडिया यंग फाउंडेशन के तत्वाधान में रातू रोड नायक चौक एवं रांची कॉलोनी के समीप वाटर क्लब और झोपड़ी मोहल्ला से शहरों में बसे गरीब एवं लाचार वासियों को कोरोना में लॉकडाउन के कारण भूखे पेट ना सोना पड़े, इसलिए 150 भोजन पैकेट का वितरण किया गया। तो आइए देखिए पूरी खबर रांची से हमारे संवाददाता अनिश मिश्रा के साथ। तो टाइम फैक्ट न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची, देखी कि सही में ये लोग जरूरतमंद हैं। जो लोग रोड के साइड में हैं, जो लोग ऑन रोड रहते हैं, मेन रोड में, मार्केट में, उन लोगों को खाना तो मिल जा रहा है, लेकिन जो गली मोहल्ले में एकदम है, उन लोगों के पास खाना नहीं पहुँच पा रहा है और उन लोग के सामने भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। तो इंडिया यंग फाउंडेशन के द्वारा इनको आज खाना वितरण किया गया है। तो आइए इन लोगों से जानेंगे। खाना मिला आप लोगों को? हाँ, मिला भैया। अच्छा, चलिए। तो सब लोग खाना मिल गया ना? हाँ, मिल गया। देखिए इंडिया यंग फाउंडेशन के भैया वहाँ पे, देखिए कैमरा उधर कीजिए आप, उनको धन्यवाद दीजिए आप लोग। धन्यवाद, खाना मिला है। और आगे आप लोग को जो निवेदन करना है उनको बोलिए, आगे आइए। आइए भैया, इन लोग का सुनिए, मजबूरी है कि कच्चे चावल का व्यवस्था करेगा तो अच्छा रहेगा, जैसे बच्चे लोग भूखे हैं। जरूर काम करेंगे उसमें। यहाँ के जो आप लोग बनाकर देंगे, यहाँ गांव में कितने लोग रहते हैं, हर घर का एक परिवार का एक आदमी का नाम लिख के दीजिएगा। जिनको राशन कार्ड है उसका एक अलग लिस्ट, जिनको राशन कार्ड नहीं है उनका भी लिस्ट बनाइए। उनको जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको हम लोग जल्दी से जल्दी मुहैया कराएंगे, क्योंकि जिनको राशन कार्ड उनको अभी सरकार दे रही है, तो जहां अगर नहीं मिल पा रहा है वहां हम लोग सबसे पहले देंगे। ठीक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। आप यही निवेदन करते हैं कि बस आप लोग हम लोग को आगे भी मदद करते रहिए और हम आप लोग का मदद का आभार रहे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भैया, जय भारत। मोदी जी, इंडिया यंग फाउंडेशन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम फैक्ट न्यूज के पहल पे आपने तुरंत कार्रवाई करते हुए और इन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया है, और इसी तरह आगे आप लोग राशन की व्यवस्था करें। और मैं जो भी प्रशासनिक तंत्र है या फिर जो भी समाज सेवी लोग और हैं, उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इनके टाइप का जो मोहल्ला है, जो अंदर गली में है, जिनके पास सुविधा नहीं पहुँच रहा है, उन लोगों के पास आप सुविधा पहुँचाएं। आपको बता दें कि काफी दिनों से कोरोना लॉकडाउन के कारण गरीब तबके के शहर निवासी, जो अपनी रोजी रोटी प्रतिदिन मजदूरी एवं रिक्शा चलाने जैसे कार्य कर कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया यंग फाउंडेशन बीते 8 दिनों से इन बस्तियों में दिन रात सेवा देने का काम कर रही है। उसका भी करवाएंगे, दोपहर में किए थे तो ये हुआ ना, उसका वाटर क्लब के पास का ये नज़ारा। प्रतीक मोदी सभी खाना बांटते हुए टाइम फैक्ट न्यूज़ के द्वारा, जैसे इनको पता लगा कि यहाँ पर कुछ लोग 2 दिन से भूखे हैं, तो इन्होंने तुरंत हम लोग से संपर्क किया और यहाँ पे देखिए ये लोग बना हुआ खाना वितरित करते हुए। आगे इन लोगों का प्लानिंग है कि जो सूखा राशन जैसे चावल, दाल, आलू, सैनिटाइजर वगैरह, ये सभी लोग जो दैनिक मजदूर हैं उनको वितरित करेंगे। अभी बना हुआ खाना ये लोग देखिए वितरित करते हुए प्रतीक मोदी एवं उनकी टीम यंग इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। ये देखिए हमारे साथ इंडिया यंग फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि वो कब से खाना बांटने का, गरीबों को खिलाने का काम स्टार्ट किए हैं और कैसे इनके दिमाग में आइडिया आया और कैसे लोगों को खोजते हैं, वैसे लोग खोज पाते हैं कि जिनके पास खाना नहीं पहुंचा है, जिनको सही मायने में खाने के और राशन की ज़रूरत है। तो आप लोग ये कब से स्टार्ट किए हैं खाना बांटने का काम? जी, ये जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का जब आह्वान किया था, उसके बाद 23-24 के अंतराल के बाद 25 से लगातार हम लोग ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें ड्राई राशन भी है और प्लस वेट फूड जो पका हुआ खाना है, इन दोनों को हम लोग लगातार 25 तारीख से बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग 2 लेवल से आकलन करने का काम करते हैं। एक नगर निगम ने ही कुछ स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ पर अति आवश्यक है कि खाना पहुँचे।
दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा रांची में खुद का अपना नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोगों से लोकली पूछते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे कुछ चिन्हित इलाके हैं, बाकी वार्ड पार्षद भी हैं, तो उनके माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उन जगहों पर हम लोग रेगुलर जाने का काम करते हैं, साथ ही साथ हर जगह हम लोग दो नए लोकेशन पर जाने का प्रयास करते हैं। तो पर डे लगभग 1000 से 1500 व्यक्तियों को हम लोग भोजन प्रदान करने का प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। अच्छा, आज आप लोग खाना यहाँ बांटे और फिर वो रेलवे स्टेशन के पास बांटे, तो वहाँ पे आप लोग कैसे गए वो बताएं। जी, जैसा है कि हमारे पास टाइम्स न्यूज़ फैक्ट से फ़ोन आया था आज दोपहर में कि यहाँ पे अभी तक कोई भी मुहैया नहीं कराया गया है, ना ही यहाँ पे कोई लोग अभी तक पहुँचे हैं जो यहाँ के गरीबों को मिल रही है। तो उनके जरिए हमें पता जैसे चला, हम लोगों ने तुरंत अपने टीम को बोलकर खाना का प्रबंध करा के वहाँ पे हम लोगों ने दिया है, और आगे भी हम लोग इस तरह की सहायता करते रहेंगे। जहाँ से भी हमें सूचना मिलेगी, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ पे बिछड़े लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड की भी सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको हम लोग जरूर से जरूर हम लोग सहायता करेंगे।